हेलो फ्रेंड्स, श्री रसायण देवो नमः। उपनिषद साइंस एकेडमी लिमकड़ा से दोस्तों, मैं देवांग प्रजापति आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल की जिसका नाम है देवांग सर केमिस्ट्री, उस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज रोज हम स्टैंडर्ड 12th केमिस्ट्री उसका चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक से वीडियो नंबर 3 लेके उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों, इंग्लिश मीडियम में। कि टॉपिक है दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, दैट इज 11.3, एंड देन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल, टॉपिक है हमारा 11.4। पर उसमें आज रोज बच्चों हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास 12 इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द चैप्टर इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उपनिषद साइंस एकेडमी जिसकी दो ब्रांच है, राजकोट एज वेल एज लिमकेड़ा। मैं देवांग प्रजापति, एमएससी बीएड, हैविंग 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है हमारा 11.3, दैट इज स्ट्रक्चर्स। टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम बात करें इन अल्कोहल्स, द ऑक्सीजन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओएच ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो अटैच टू द कार्बन, वो ये कार्बन के साथ अटैच है कि बाय सिग्मा बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स हैं? सिग्मा। ओके, फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। इनका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा बच्चों, वो रहेगा वो होने वाला है sp3 का, ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। ओके, इनका भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगा, इनका भी sp3 होगा। तो sp3 ओवरलैपिंग होने वाला है, ठीक है, बिटवीन द कार्बन ऑर्बिटल एंड ऑक्सीजन ऑर्बिटल। ओके, जिसका स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे अभी। ओके, सबसे पहले है हमारे पास मिथेनॉल। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है सबसे पहला वो है मिथेनॉल। ओके, उनका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा दिखता है, देखते हैं हम। देखो CH3, ओके, एंड देन OH, O के पास 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है, बाकी दो जो है वो बॉन्डिंग में है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ठीक है। नाउ द बॉन्ड एंगल CO एंड H, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड एंगल है के इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। टेट्राहेड्रल एंगल का बॉन्ड एंगल जो है वो रहता है वो होता है 109.28 के टेट्राहेड्रल का इतना होता है। पर वो यहां पे जो COH का है वो कितना है? स्लाइटली लेसर, ठीक है, और वो रहेगा
ये जो बॉन्ड एंगल है वो है 108.9 डिग्री। ओके, अभी ये कम क्यों हुआ, क्या रीजन है, कौन से रीजन की वजह से ये जो है वो 10928 की जगह 108.9 हुआ। तो देखो, इट इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है उनके जो ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, अनसेड इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में क्या हो रहा है, तो के उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है दोस्तों, अनसेड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होने वाला है, रिपल्शन। ओके, तो उसकी वजह से ये जो डिग्री है वो 109.28 की जगह वो 108.9 हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर। ओके, नाउ यही चीज देखो, अभी आपको मैं बॉन्ड लेंथ बता देता हूं दोस्तों। बॉन्ड लेंथ देखो आप, तो सबसे पहले ये ओ एंड एच, उनका बॉन्ड एंगल है, सॉरी बॉन्ड डिग्री, बॉन्ड लेंथ सॉरी 96 पिकोमीटर। ओके, वेयर एज ये कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 142 पिकोमीटर। ओके, तो ये इतनी चीजें दोस्तों हमें याद रखनी है, आपको एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ तो ये बात हुई, सबसे पहला स्ट्रक्चर है हमारा मिथेनॉल। ओके, नाउ फिनॉल की बात करेंगे दोस्तों। तो देखो, इन फिनॉल्स मतलब कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ओके, द OH ग्रुप, ये जो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ओके, इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। ये जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि यहां पे देखो अंदर बेंजीन की रिंग के अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ओके, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहता है, उसकी वजह से उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ओके, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 136 पिकोमीटर। ओके, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो है 136 पिकोमीटर फिनॉल के अंदर। ओके, विच इज स्लाइटली लेस देन द मिथेनॉल। मिथेनॉल में कितनी थी दोस्तों, तो मिथेनॉल के अंदर 142 पिकोमीटर था, उससे कम है ये, 136 पिकोमीटर है। ओके, दिस इज ड्यू टू, अभी ये क्यों ऐसा होता है, दिस इज ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्जुगेशन ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद द एरोमेटिक रिंग। यहां पे देखो क्या होने वाला है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन। ये देखो अनसेड इलेक्ट्रॉन, उनका कैसा रहेगा, कॉन्जुगेशन ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद द एरोमेटिक रिंग, अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर
का क्या होगा? कॉन्जुगेशन विद द एरोमेटिक रिंग, ओके। एंड ये वन नंबर रीजन है, ओके। दूसरा रीजन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच। इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, वो नेचर। दूसरा नंबर क्या है कि भाई ये कार्बन विथ ऑक्सीजन जो अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ओके। ये दो रीजन की वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप के बीच का वो 136 है, ओके। जो कि वो अल्कोहल के अंदर 142 था, पर वो डिक्रीज होके 136 हो रहा है, ओके। देन तो ये बात हो गई दोस्तों फिनॉल के स्ट्रक्चर की, ओके। नाउ दूसरी बात कि जो बॉन्ड एंगल बन रहा है COH वाला, कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, बॉन्ड एंगल COH वाला वो बन रहा है 109 डिग्री, ओके। कितना हो रहा है? 109 डिग्री, ओके। तो इतनी चीजें दोस्तों एमसीक्यू के लिए आपको फिनोल की जो इंफॉर्मेशन है वो याद रखनी है, ओके। देन इसके बाद नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज वो हम बात करेंगे, दैट इज फॉर ईथर्स। तो ये ईथर के अंदर मिथॉक्सी मीथेन का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, या फिर उसको डाई मिथाइल ईथर भी आप बोल सकते हो, ओके। तो इन ईथर्स द फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज द टू बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर्स, ये देखो एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रॉन मतलब टू बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे इसके पास ये सेंट्रल ऑक्सीजन जो है उनके पास एक दो तीन चार लोन पेयर, ठीक है, टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर, ओके। द टू बॉन्ड पेयर्स एंड टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन, ये सेंट्रल जो है वो, ओके, आर अरेंज अप्रोक्सीमेटली इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इनका जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो पूरा कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ओके। द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू, अभी देखो बॉन्ड एंगल जो है, ठीक है, वो रहेगा 1.7 डिग्री, मतलब कि वो बढ़ गया है दोस्तों, ओके। मिथेनॉल में 108.9 था, फिनॉल के अंदर 109 डिग्री था, ठीक है, मिथॉक्सी मिथेन के अंदर 111.7 डिग्री हो गया है, ओके। स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू, क्या रीजन है? ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू बल्की आर ग्रुप्स, दिस इज वन आर ग्रुप एंड दिस वन इज द सेकेंड आर ग्रुप, ओके। द सी ओ बॉन्ड लेंथ, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, ओके, इज 141 पिकोमीटर, कितनी है? 141 पिकोमीटर दोनों तरफ, ओके, इज ऑलमोस्ट सेम एज इन द अल्कोहल्स। अल्कोहल में तो वो 142 था,
ठीक है, इसमें 141 पिकोमीटर है। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों मिथोक्सी मीथेन या फिर डायमिथाइल ईथर, जो कि ईथर का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा टॉपिक 11.3 स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें हमने तीनों के एक एक एग्जाम्पल लिए दोस्तों। ठीक है, वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल, मिथेनॉल लिया, फिनॉल के अंदर फिनॉल खुद लिया, एंड देन ईथर के अंदर मिथोक्सी मीथेन लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 11.4 दैट इज अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ओके, उसके अंदर दोस्तों हम टॉपिक नंबर 11.4.1 दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में आज रोज हम डिस्कस करेंगे। ओके, फिनॉल के बारे में नेक्स्ट बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, अल्कोहल की प्रिपरेशन स्टार्ट करो उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो, ठीक है, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना, ठीक है, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। ओके, सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, नाउ इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स वी हैव सेवरल डिफरेंट मेथड्स। ओके, उसमें से सबसे पहली जो प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम अल्कीन्स। ओके, वो हम किस में से करने वाले हैं, अल्कीन में से। ओके, अल्कीन में से भी दोस्तों हमारे पास है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, रिएक्शन का नाम है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कीन्स रिएक्ट विथ वॉटर, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट। एसिड की जरूरत पड़ेगी किस चीज के लिए, एज अ कैटलिस्ट, ओके, टू फॉर्म अल्कोहल्स। क्या बनाएगा वो, अल्कोहल्स। ओके, तो ये देखो अल्किन लिया हमने दोस्तों। ओके, यहां पे डबल बॉन्ड से हमें पता चल जाता है उनकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं वाटर के साथ। ठीक है, अभी दोस्तों आपको पता होगा वाटर के टू कंपोनेंट रहते हैं अगर उनका आयोनाइजेशन करने में आए तो, एक है एच प्लस और दूसरा है ओ एच माइनस। देन दिस एच प्लस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन एंड ओ एच माइनस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस बिसाइड नंबर कार्बन। ओके, सो यूल बी गेटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस कैटलिस्ट यूल बी गेटिंग दी एच ओ एच, ओके, एज एन अल्कोहल, अल्कोहल आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये बात हो गई बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। नाउ इसके अंदर इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, अभी ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स या फिर एसिमेट्रिकल अल्कीन्स आप जो भी बोलो, ठीक है, वो क्या होता है, तो सपोज कि ये है तीन कार्बन, डबल बॉन्ड यहां पे, ठीक है, यहां इसको आप बीच में से ब्रेक डाउन करो तो आपको दो इक्वल हाफ नहीं मिलने वाले हैं, तो ऐसे अल्किन्स को आप एसिमेट्रिकल अल्किन या अनसिमेट्रिकल अल्किन्स बोलते हैं। ओके, तो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्किन्स द एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डेंस विथ मार्कोनिकोव्स रूल, तो वो जो रिएक्शन है वो मार्कोनिकोव के रूल के हिसाब से चलेगी, जो आप क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो यूनिट नंबर 13 के अंदर दोस्तों। ओके,
तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है मार्कोनी को रूल के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ रहा है हमारा वन प्रोपीन, ओके क्या आ रहा है वन प्रोपीन, ठीक है, जो कि अनसिमेट्रिकल अल्किन या फिर एसिमेट्रिकल अल्किन का एग्जाम्पल है। ये वन प्रोपीन की रिएक्शन हम करवाएंगे वाटर के साथ दोस्तों, जैसे कि हमारी आगे बात हुई, ओके इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, ओके यू विल बी गेटिंग, देखो सीधा इसके अभी दो कंपोनेंट हो गए, एच प्लस एंड ओ एच माइनस, तो ओ एच माइनस जो है ओके इज गोइंग टू जॉइन टू सेकेंड नंबर कार्बन अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनिकोव्स रूल। ओके मार्कोनिकोव के रूल के हिसाब से हमारा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ओके जो डबल बॉन्ड जो है उनके आसपास उनके पास में जिस तरफ कम हाइड्रोजन हो वहां पे जुड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमें मिलने वाली है, आप देख सकते हो, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, देखो CH3CH CH3 एंड देन ऑन सेकेंड नंबर यू विल बी हैविंग द अल्कोहल, सो ये बन जाएगा टू प्रोपेनॉल, ओके आपको टू प्रोपेनॉल मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बात हो गई अनसिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल अल्किन के हिसाब से, ओके बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ओके नाउ यहाँ पे तो हमने सीधा प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट मिल गया, पर वैसे देखो तो ये ऐसे नहीं हो रही है रिएक्शन, ओके फ्रॉम अल्किन्स बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन जो रिएक्शन है वो सीधी ऐसे वन स्टेप में नहीं हो रही है भाई, ठीक है, उसके लिए स्टेप वाइज मैकेनिज्म हमें करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैकेनिज्म देखते, सो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स, कितने स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है दोस्तों, तीन स्टेप में, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर वन द प्रमोशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+, तो सबसे पहले तो H2O के साथ H+ मिलके H3O+ बनाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ओके नाउ ये हाइड्रोनियम आयन जो है ओके वो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ठीक है, देखो सीधा वो अटैक करने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ओके एंड देन इट इज गोइंग टू फॉर्म कार्बोकेटायन, क्या बनाएगा कार्बोकेटायन, तो ये है आपका कार्बोकेटायन, देखो एंड देन H2O विल बी लिबरेटेड, ओके। तो स्टेप नंबर वन में दोस्तों हमें याद रखना है दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ओके देन एंड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक से बन रहा है। स्टेप नंबर टू देखेंगे दोस्तों, स्टेप नंबर टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, जो पानी बना था वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ठीक है, किसके ऊपर कार्बोकेटायन के ऊपर, ऐसे देखो पानी जो है वाटर सीधा ये जो अटैक हो रही है वो कौन सी है न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रही है, ओके एंड देन इट इज गोइंग टू फॉर्म द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्या बनाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ओके देन स्टेप नंबर थ्री के अंदर दोस्तों क्या होने वाला है, स्टेप नंबर थ्री में डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल, जो प्रोटोन था एक्स्ट्रा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एंड हमें अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हमें चाहिए, देखो ऐसे, ओके एंड यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट एज एन अल्कोहल।
ओके, एंड हाइड्रोनियम आयन जो शुरुआत में हमने लिया था वो हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ओके, देन फ्रॉम अल्किन में से रिएक्शन नंबर 1 किया हमने। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देख रहे हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, 11.4.1 टॉपिक है हमारा, उसमें से फ्रॉम अल्किन्स हम रिएक्शन स्टार्टअप है हमारा। एंड नाउ बाय हाइड्रोबोरेशन दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके, उसकी हम बात करेंगे, उसमें से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डायबोरेन, ओके, दैट इज BH3 ट्वाइस, उसको यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। देखो आपको इसको ऐसे लिखना हो, सपोज BH3 ट्वाइस तो भी लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, सो डायबोरेन रिएक्ट विथ अल्किन्स, किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्किन। अल्किन का एग्जाम्पल हमारे पास है प्रोपीन, ओके, 1-propene टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन्स, क्या बनाएगा, ट्राई अल्काइल बोरेन्स, ओके, एज ए एडिशन प्रोडक्ट। ओके, पर यहां पे स्टेप वाइज रिएक्शन हम करेंगे। देखो सबसे पहले ये एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ओके, एडिशन प्रोडक्ट में वन मोर प्रोपीन वी आर गोइंग टू ऐड, एक ज्यादा प्रोपीन ऐड करेंगे। ओके, तो इसमें से देखो ये जो BH2 है यहां पे, ओके, BH2 में से एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा और वहां पे प्रोपाइल ग्रुप एड ऑन हो जाएगा। ओके, देखो BH2 में से BH हो गया। ओके, नाउ इसके अंदर वन मोर टाइम स्टिल इफ यू विल एड प्रोपीन, एक और बार प्रोपीन ऐड करो, यानी कि अल्किन ऐड करो। ठीक है, तो और एक हाइड्रोजन देखो अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट में ये हाइड्रोजन भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वो भी निकल जाएगा और आपको 3 बार क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, आपको देखो बोरोन सेंटर में और 3 बार प्रोपाइल ग्रुप है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन्स, क्या बोलते हैं, ट्राई अल्काइल बोरेन्स। यहां पे अल्काइल का एग्जाम्पल है प्रोपाइल। ओके, नाउ दीज ऑक्सीडाइज्ड टू, ये जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू गिव अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आपको NaOH रखना है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड सिर्फ हमने मेंशन किया हुआ है। ओके, बाकी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, तो वो देगा अल्कोहल। ओके, तो ये रहा देखो आपके सामने प्रोपेन वन ऑल। ओके, देन द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच ए मैनर दैट बोरोन एटम गेट्स अटैच टू द sp2 कार्बन कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जो एसिमेट्रिकल अल्किन था उसमें बोरोन जो है वो डबल बॉन्ड वाले के साथ अटैच हो रहा है। ओके, देन द अल्कोहल सो फॉर्म्ड लुक्स एज इफ इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू द अल्किन इन अ वे अपोजिट टू द मार्कोनिकोव रूल। ये मतलब क्या हुआ कि भाई जो मार्कोनिकोव से अपोजिट होगा ये, मतलब कि एंटी मार्कोनिकोव से हिसाब से वो जुड़ेगा। ठीक है, देन इन दिस रिएक्शन अल्कोहल इज ऑब्टेन इज एक्सेलेंट यील्ड। आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगी वो बहुत बढ़िया मिलने वाली है। ठीक है, तो बढ़िया वाली प्रोडक्ट चाहिए आपको अल्कोहल की, तो अल्किन की फ्रॉम अल्किन में से प्रिपरेशन जो है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमें करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
ओके. नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है, जिसमें सेकेंड मेथड है हमारे पास. ओके, फर्स्ट मेथड जो थी वो फ्रॉम अल्कीन थी, अभी सेकेंड मेथड जो दोस्तों है हमारे पास, ठीक है, दैट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स. किसमें से? कार्बोनिल कंपाउंड में से. उसमें से पहला है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. ओके, एल्डिहाइड और कीटोन का हम रिडक्शन करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट. इसकी वजह से ये जो रिएक्शन का नाम है वो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बोला गया है. ठीक है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए हाइड्रोजन हमें ऐड करना है. ओके, देन द यूजुअल कैटालिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज कौन से कैटालिस्ट इस्तेमाल होंगे, दैट इज प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल. इसमें से कोई भी आप कैटालिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो. ओके, देन इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद, आप ये मेथड से भी जा सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड दैट इज NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इज LiAlH4, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो रिएक्शन के लिए. नाउ एल्डिहाइड्स यील्ड प्राइमरी अल्कोहल्स, एल्डिहाइड जो है वो हमें प्राइमरी अल्कोहल देने वाला है. ओके, वेर एज कीटोन्स जो है, ठीक है, वो हमें सेकेंडरी अल्कोहल देने वाला है. ठीक है, तो चलिए दोस्तों रिएक्शन देखते हैं. फर्स्ट वन, एल्डिहाइड ले लिया हमने, हाइड्रोजनेशन, पैलेडियम कैटालिस्ट है हमारा, तो हमें प्राइमरी टाइप ऑफ अल्कोहल मिल रहा है. ठीक है, अगर कीटोन लिया है आपने, ओके, देन NaBH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा. ओके, सेकेंडरी कैसे? तो OH जो कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो एक और दो कार्बन के साथ अटैच में है. ओके, इसलिए यहाँ पे OH जो कार्बन के साथ अटैच था वो दूसरे सिर्फ एक के साथ ही अटैच है, इसलिए वो प्राइमरी कहलाता था. ठीक है, तो ये हो गया बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में. ओके, नाउ नेक्स्ट बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर, COOH एंड COO एस्टर, उनका रिडक्शन हम करेंगे. ओके, सो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू, किसमें रिड्यूस होगा? प्राइमरी अल्कोहल्स इन एक्सेलेंट यील्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दैट इज LiAlH4, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. वो तो अभी हमारी बात हुई. ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं दोस्तों. ये रहा देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल बी गेटिंग प्राइमरी अल्कोहल्स. जो अल्कोहल मिल रहा है वो प्राइमरी मिलेगा, वो बहुत अच्छी क्वालिटी वाला मिलने वाला है, बेस्ट एक्सेलेंट यील्ड. ओके, नाउ हाउएवर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट, खर्चाड़ है, कॉस्टली है दोस्तों, एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली. हर बार इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वाइट एक्सपेंसिव है. ओके, सो कॉमर्शियली एसिड्स आर रिड्यूस्ड. रिडक्शन कैसे करेंगे? रिड्यूस्ड एसिड का जो रिडक्शन होगा अल्कोहल में बाय कन्वर्टिंग दैम टू द एस्टर. सबसे पहले उसको आप एस्टर में कन्वर्ट करो. ओके, एंड देन यू कैन एबल टू कन्वर्ट दैम इन टू द अल्कोहल. ओके, फॉलोड बाय द रिडक्शन यूजिंग द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट. इसलिए उसको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, जो हम पढ़ गए ऑलरेडी. ओके, तो ये रहा देखो, सबसे पहले एसिड है आपका, उसका कन्वर्जन हम करेंगे एस्टर में. एस्टर में से हाइड्रोजिनेशन करेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, तो उसमें से हमें अल्कोहल मिल जाएगा. ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई दोस्तों बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आप पढ़े होंगे, दैट इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट. ओके, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो
देखो अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जो कि आप यूनिट नंबर 10, 12 हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन के अंदर पढ़ गए, जो ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म एन एडक्ट, मीन्स एडिशन प्रोडक्ट। देखते हैं, देखो ये रहा कार्बोनिल अल्कोहल। ओके, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है रामजी एक्सप्रेस। ओके, वो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। ओके, कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफिल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा वो, एंड देन विल बी गेटिंग द एडक्ट, मीन्स एडिशन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एडक्ट यील्ड एन अल्कोहल, इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब पानी डाल के ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक एच होता है, दूसरा ओ एच होता है। ठीक है, तो एच जो है वो सीधा यहां पे आएगा। ओके, एम जी, और ओ एच जो है वो बीच में आ जाएगा, एम जी ओ एच एक्स। तो आपको ये मिल जाएगा अल्कोहल। ओके, नाउ ये कॉमन रिएक्शन है दोस्तों, अभी इसके कुछ एग्जांपल लिखेंगे हम। द ओरल रिएक्शन यूजिंग द डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये हो गया आपका मिथेनॉल। ओके, मिथेनॉल है भाई, मिथेनॉल अल्कोहल नहीं, मिथेनॉल, या फिर उसको आप कॉमन नेम में फॉर्मल्डिहाइड भी बोल सकते हो। ये तो ठहरा आपका रामजी एक्सप्रेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपको RCH2OMgX मिल रहा है जो एडक्ट है, एडक्ट का एडिशन प्रोडक्ट है भाई, उनका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, प्राइमरी। देन अगर आपने अदर देन मिथेनॉल कोई भी एल्डिहाइड ले रहे हो मिथेनॉल के अलावा, और रामजी एक्सप्रेस के साथ रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एडक्ट मिलेगा, एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रही है अल्कोहल की, ठीक है, वो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ओके, देन सपोज इफ यू आर टेकिंग द कीटोन फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके, तो एडक्ट मिलेगा, उनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको टर्शियरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ओके, इन केस ऑफ मिथेनॉल विल बी हैविंग प्राइमरी अल्कोहल, इन केस ऑफ अदर देन मिथेनॉल अदर एल्डिहाइड, अदर देन द मिथेनॉल यू विल बी गेटिंग द सेकेंडरी अल्कोहल्स। ओके, एंड कीटोन इफ यू आर गोइंग टू टेक देन यू विल बी हैविंग द टर्शियरी अल्कोहल्स। यू विल नोटिस दैट द रिएक्शन ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल, ये तो बात हुई विथ मिथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल विथ अदर एल्डिहाइड्स एंड टर्शियरी अल्कोहल विथ कीटोन्स। ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ओके, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इवन मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन होना हो तो उसकी लिंक आपको नीचे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।